नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है ये जानने के बावजूद भी लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घर में रहे, भीड़ ना करें। और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब 124 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक उसी तरह यूपी में भी कोरोना वायरस के 4 और नए मामले सामने आए हैं। संख्या बढ़कर पहुंची 42। आज सुबह उत्तर प्रदेश में 4 नए मरीज मिले हैं। इनमें 3 नोएडा से है जबकि 1 बागपत जिले का है। अब सभी नोएडा अस्पताल में भर्ती है। देश में कोरोना वायरस के 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी लगातार बढ़ते ही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव के मामले 600 के पार पहुंच चुके हैं। देश में इस वायरस के 593 एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक 649 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। इनमें 649 मामलों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कल आंकड़ों में 1 माइग्रेटेड मरीज भी शामिल है। 42 लोग ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि धारा 144 का उल्लंघन ना करें, अपने घर में ही रहें, बिना जरूरत बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।